यह है रामरेखा घाट जो कि बक्सर ज़िले में स्थित है। बेहद ही महत्वपूर्ण धार्मिक स्थान है जो कि रामायण काल से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि भगवान श्री राम ने तारकासुर का वध यहीं किया था, जो कि उनको जब तारकासुर का वध किया तो भगवान श्री राम को स्त्री वध का मतलब पाप लग गया था, स्त्री मारने का वध करने का पाप लग गया था। तो भगवान श्री राम ने उस वध से उस पाप से मुक्ति के लिए यहीं रामरेखा घाट में ही एक नदी है, गंगा नदी काफ़ी फेमस और पवित्र नदी है। तो इसी नदी में भगवान श्री राम ने अपने पाप को मुक्ति के लिए, पाप से मुक्ति के लिए इस नदी में स्नान किए और पाप से अपने मुक्ति हुए। और ये गंगा नदी है इसलिए लोग कहते हैं कि मतलब गंगा में स्नान कर लो, पाप की जो मुक्ति होती है उससे मुक्त हो जाओगे। ये रामरेखा घाट है, गंगा नदी है। यहाँ पर अभी सावन का महीना चल रहा, सावन का पर्व चल रहा, तो लोग यहाँ पर आते हैं, अभी जल अपना उठाते हैं और जहाँ उनको जो श्रद्धा होती है वहाँ अपना जल ले जाएंगे और ढारेंगे जल को भगवान शिव के मंदिर पर, लिंग पर। तो यही है रामरेखा घाट और इससे रिलेटिव बहुत कुछ अभी मतलब बातें हैं और कुछ है, मतलब इसके बारे में हिस्ट्री बहुत कुछ है। कहा जाता है कि यहाँ पर पास में एक भगवान श्री राम की चरण पादुका भी है जो कि यहीं पर स्थित है और भगवान श्री राम की शिक्षा दीक्षा भी यहीं मिली थी, मतलब वनवास के दौरान भगवान श्री राम की शिक्षा दीक्षा यहीं मिली थी। रामरेखा घाट है ये जो कि आप देख पा रहे हैं, काफ़ी खूबसूरत लग रहा अभी। हालांकि नदी में जो गंगा नदी है, हालांकि वह साफ़ सफाई करने की थोड़ी सी ज़रूरत है, बट अभी बारिश का मौसम चल रहा था, इधर उधर से सब कचरा आ जा रहा। आपको कैसी लगी वीडियो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और यहाँ की ये आपको स्थित है बक्सर ज़िले में, बक्सर में ही स्थित है और मैं आपको लोकेशन वो वहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ऐड कर दूँगा, वहाँ से जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं, लोकेशन को देख सकते हैं। और वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई होप आपको अच्छी लगी हो, अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ये आपको सामग्री है, आप देख पा रहे होंगे बोलबम जाने के लिए, अभी कहीं भी आप जा रहे हैं तो वहाँ पर आप लेके जा सकते हैं, यहाँ पर ख़रीद सकते हैं। थैंक यू सो मच।